प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इंडोल की बात की थी। आज हम बात करेंगे 6 सदस्यों वाले संघनित विषम चक्रीय यौगिकों की, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्यूनोलिन, इसको हम अल्फा बीटा बेंजोपिरिडिन भी बोलते हैं, या 2,3 बेंजोपिरिडिन या 1 बेंजाजिन, ये सभी क्यूनोलिन के नाम हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सॉरी, बेंजीन के साथ एक पिरिमिडिन वाले जुड़ी हुई है। नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह कोलतार व्यवस्थित तेल में पाया जाता है। ये कई यौगिकों जैसे एल्किलोइड्स, क्विनिन, सिंक्वोनिन आदि, संश्लेषित मलेरिया रोधी औषधियां, क्लोरोक्विन, प्लाज्मोक्विन आदि दर्द निवारक औषधियां, सिंकोफेन एवं प्रयोगशाला अभिकर्मक 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन आदि यौगिकों का प्रमुख भाग क्विनोलिन होता है। वस्तुतः इसका क्विनोलिन नाम इसी कारण पड़ा कि सर्वप्रथम इसे क्विनिन के क्षारीय अपघटन से प्राप्त किया गया था। उसके बाद हम इसके मेथड्स की बात करेंगे। हम इसके 3 मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है स्क्रॉप संश्लेषण। स्क्रॉप सिंथेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। यह क्विनोलिन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में एनिलिन, नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरॉल, सांद्र एस्टोसुपर वे फेरस सल्फेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्विनोलिन का निर्माण होता है। रिएक्शन देखिए क्या होती है, एनिलिन, ग्लिसरॉल, नाइट्रोबेंजीन, फेरस सल्फेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ जब इसको हीट किया जाता है क्विनोलिन का निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि क्रिया विधि के साथ रिटर्न एग्जाम होता है तो मैकेनिज्म लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो ग्लिसरॉल है वो फेरस सल्फेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके एक्रोलिन का फॉर्मेशन करता है। अब ये एक्रोलिन एनिलिन के साथ रिएक्शन करती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और जैसे ही यहाँ आएंगे तो ये पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा। पॉजिटिव सेंटर जनरेट होते ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर लेंगे, और जो स्ट्रक्चर है हमारी नेक्स्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH2 है, CH डबल बॉन्ड CHO-। सॉरी, इसके बाद नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वह इस हाइड्रोजन को रिमूव करके अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो ये NH हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड CH, ये OH।
अब पाई जाएगी टोटोमेराइजेशन, चला व्यवता। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसको तो हमने छेड़ा नहीं है, जैसा था वैसा ही लिखा है, सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड ओ, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं तो नो डाउट ये हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंटर जनरेट होगा, H प्लस आयन के रूप में निकलती जनरेट होगा, तो वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करके इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और H प्लस आयन के रूप में जाएगा, जैसे ही जाता है H प्लस आयन के रूप में ये O इसको प्रण कर लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारी कुछ इस प्रकार आ जाएगी, ये N था ये H अभी भी हमारे पास है, यहाँ सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड ये कार्बन और यहां से इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, ये OH और ये H। अब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो जल अपघटन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाएगा, फिर नाइट्रोबेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराई जाएगी तो ऑक्सीडेशन होगा, इस प्रकार हमारी क्विनोलिन बन जाएगी। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है हमारा फ्रेडलैंडर संश्लेषण, सेकंड मेथड जो है हमारा फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। यह भी क्विनोलिन एवं उसके डेरिवेटिव बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। यदि ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड का डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के साथ संघनन करवाया जाए तो क्विनोलिन बनती है, ये एक प्रकार की हैलोल कंडेंसेशन जैसी अभिक्रिया है। एसिटाल्डिहाइड है CHO, बेस की प्रेजेंस में कराई जा रही है। क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म अगर बात करें बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, ओवरऑल तो मैकेनिज्म को बताने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, ये यहाँ जाएंगे ये लोन पर यहाँ अटैक करेंगे फिर वाटर का रिमोवनेशन होगा। नॉर्मली इस प्रकार की अभिक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वाटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। कहीं रह गया, यहाँ डबल बॉन्ड था ये सी है ये सी एस थ्री है ये H है, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो ये OH है, यहां से H को रिमूव करेगा तो ये कार्बेनायन का फॉर्मेशन करेगा, जैसे ही कार्बेनायन का फॉर्मेशन होगा एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन होगी और ये इधर चला जाएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा ये N है ये डबल बॉन्ड C CH2 ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
ये ओ एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, क्योंकि ये यहां से एच निकला है, वो एच निकलने के बाद ये ओ, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर ओ एच आयन अटैक करेगा, ओ एच आयन अटैक करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये एस टू ओ के रूप में रिमूव हो जाएगा और यहां बन जाएगा कार्बेनाइन। कार्बेनाइन बनते ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पर ये कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस है जिसके कारण ओ पे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो हमने इसको जोड़ दिया। ये जो एच निकला था अल्कोहल के वाटर के अंदर, वो वापस यहाँ काम आ जाएगा ओ एच बनाने के लिए। अब यहां से क्या है, वाटर का रिमूवनेशन हो जाएगा वापस, डबल बॉन्ड था, वाटर OH यहां से जाएगा और H इसके पास से जाएगा, यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारी बन जाएगी क्विनोलिन। ये सेकंड मेथड से है। उसके बाद एक थर्ड मेथड और देखते हैं, क्लॉज रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। क्लॉज रिएक्शन सिंपल मेथड है, जब मेथिलीन क्लोराइड में, जब मेथिलीन क्लोराइड में इंडोल का विलयन बनाकर उसमें मेथिल लिथियम डालते हैं तो क्लोरोमेथिलीन के द्वारा वलय का विस्तार, रिंग एक्सपेंशन होता है और क्विनोलिन बनती है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, इंडोल लिया हमने, जैसे ये इंडोल है, इसकी मेथिल लिथियम कार्बोधातु यौगिक है, मेथिलीन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। क्रिया विधि अगर हम देखेंगे, कार्बिन के थ्रू होती है, कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, जैसे सी एस टू सी एल टू है, ये कार्बन इंटरमीडिएट बना। अब पहले हम इंडोल की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन लिथियम के साथ, सॉरी कार्बन लिथियम या मेथिल लिथियम के साथ जब क्रिया कराते हैं तो इस प्रकार का यौगिक बनता है, और जब हम इसकी अभिक्रिया, सॉरी जब हम इसकी अभिक्रिया सी एस टू वाले सी एल के साथ कराते हैं, कार्बन के साथ कराते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, ये यहां और ये यहां, तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये बॉन्ड टूट चुका है, एक बॉन्ड ये सी, ये एच, ये सी एल, ये लिथियम है, ठीक है। अब ये जो लिथियम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देता है, जैसे यहां देगा इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये अपने बॉन्ड को एक्सटेंड कर लेगा और ये क्लोराइड बाहर की तरफ चला जाएगा और सीएल निकल जाएगा, निकलने पर हमारी क्विनोलिन हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार क्विनोलिन का संश्लेषण होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह कलरलेस लिक्विड होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 238 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह जल में अल्प विलयशील है किंतु अल्कोहल एवं इथर में सॉल्युबल है, इसकी अरुचिकर गंध होती है और यह स्टीम वोलेटाइल होता है, इसमें एक बेंजीन वलय के साथ एक पिरिडिन वलय संयुक्त है
अतः इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं रासायनिक गुण पिरिडिन के समान होते हैं। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।